ये है भैया का काउंटर और साथ में इन्होंने ये मछलियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। मुझे भी मछलियाँ पालने का बहुत शौक है, वो बात और है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, अगर ज़रा सी भी गलती करी तो ये मर जाती हैं। और दोस्तों एक और चीज़ मुझे यहाँ के बारे में सबसे अच्छी लगी, यहाँ के लोगों का व्यवहार और यहाँ की जो बोली है वो बहुत ही मीठी है। यहाँ के अलावा मुझे जो इस प्रकार का व्यवहार और बोली सबसे अच्छी लगी थी वो लगी थी मथुरा वृंदावन की, क्योंकि मैंने मथुरा वृंदावन में गया था, वहाँ की भी मैंने वीडियो डाली थी, आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पर भी लोग बहुत प्यार से बोलते, भैया भी यहाँ पे बहुत प्यार से बोलते। उसके अलावा मैं बाहर भी चाय पी रहा था, वहाँ पर भी आपने भी देखी होगी मोहल्ला 80 घाट, इसके अलावा और भी मूवीज़ देखी होगी तो यहाँ के बारे में फेमस है, जो भी चाय की दुकानें होती हैं वहाँ पर पॉलिटिक्स के बारे में बहुत चर्चा होती है। तो भैया अपने होटल के बारे में आप कुछ बताएंगे? हमारे होटल है माँ पद्मावती गेस्ट हाउस, जो कि बाबा विश्वनाथ नगर में है। यहाँ से बाबा विश्वनाथ की दर्शन करके 5 मिनट अधिक से अधिक लगता है, यहाँ से घाट 5 मिनट लगता है। काशी मेन सिटी में हम लोग यहाँ हैं, काशी का जो आदमी आते हैं दर्शन पूजा करने, यहाँ का हर सुविधा इस होटल से मिल सकता है, कोई यहाँ दिक्कत नहीं होगा, रहने का खाने का पीने का कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यूपी या दिल्ली के रहने वाले हो या फिर इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हो, तो अगर आप यहाँ पे नहीं आए हो तो आप ज़रूर आओ। बाबा विश्वनाथ का दरबार है, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है, ये शहर नहीं है तीर्थ स्थली है, जिसका कंपैरिजन दुनिया में किसी भी शहर से नहीं है। और जैसे कि आप देख रहे हो इस घाट की फ़ोटो भी लगाई हुई है, आप देख रहे हो कि फोटो में इतना खूबसूरत नज़ारा है तो असलियत में कैसा होगा, क्यों है कि नहीं भैया? यहाँ आरती होता है, आरती में लाखों का लाख भीड़ रहता है, आदमी देखने के लिए आते हैं दूर दराज से, यहाँ घाट घूमते हैं, एक से एक चीज देखने को मिलता है काशी में। काशी क्या मशहूर चीज साड़ी है, बनारसी साड़ी यहाँ की प्रसिद्ध साड़ी है, आदमी आते हैं तो हमेशा खरीदते हैं लेकर जाते हैं। बनारस का मशहूर पान, ये दो चीज से यहाँ बनारसी पान। तो चलिए भैया चलते हूँ, वरना आरती का टाइम हो जाएगा, घाट घूमते हैं फिर आपसे मिलते हैं कल की डेट में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव। दोस्तों ये है गोदुलिया चौक, यहाँ का फेमस चौक और मार्केट, और इधर है 80 घाट, और ये इधर ही से रिक्शा और ऑटो आपको 80 घाट के लिए मिल जाएगा। दोस्तों वाराणसी के अगर नाम के बारे में बात करी जाए तो इसका जो मेन नाम है वाराणसी ही है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा पुराना है। और वाराणसी जो नाम पड़ा है वो वरुणा और असी, इन दो नदियों की वजह से पड़ा हुआ है, क्योंकि वरुणा नदी गंगा नदी में आकर के मिलती है, उसके अलावा असी नदी वो भी यहीं पर आकर के मिलती है, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो 80 घाट है। 80 नदी जो है, जब दुर्गा माता की लड़ाई हुई थी, उन्होंने असुरों का संहार किया था, शुंभ और निशुंभ का संहार करने के बाद उन्होंने अपनी तलवार रखी थी, यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था, तो जहाँ पे उन्होंने तलवार रखी थी वहाँ से नदी प्रकट हुई थी, तो उसका नाम 80 नदी कहा जाता है, तो वाराणसी नदी है। उसके अलावा आपने बनारस नाम सुना होगा, तो वाराणसी को उच्चारण करते करते उसका थोड़ा सा एक अपभ्रंश रूप बनारस पड़ गया था, तो मेन नाम जो है, असली नाम जो है वो वाराणसी ही है। उसके अलावा मुग़लों ने यहाँ पर भी नाम बदलने की कोशिश करी थी, इसका नाम मोहम्मदाबाद करने की कोशिश करी थी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, तो फिर इन्होंने बनारस के पास में एक दूसरी जगह का नाम मोहम्मदाबाद कर दिया था, और मुग़लों को ही कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे योगी जी। दोस्तों उस वाराणसी के अलावा उससे भी जो पौराणिक नेम है, दूसरा जो काशी नेम है, वो पड़ा था राजा मनु के जो 11वें वंशज थे, उनके सुपुत्र, मतलब उनकी 11वीं 11th जनरेशन
के जो राजा थे उनका नाम था राजा काश। तो काश के ही नाम पर इसका नाम काशी रखा गया था। ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का प्रतीक है वाराणसी शहर। दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं ख़त्म हो गई, बहुत सारे शहर जल के खाक हो गए और मिट्टी के नीचे धरती के अंदर दब गए, लेकिन वाराणसी आज भी अपनी जगह मौजूद है। दुनिया की जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं जो कि आपने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ी होगी, मेसोपोटामिया, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, उसके अलावा माया सभ्यता, वो इसके आगे कुछ भी नहीं है जितनी पुरानी वाराणसी सिटी है, क्योंकि ये हिस्ट्री से भी ज़्यादा पुरानी है। दुनिया में इस टाइम जितने भी अवेलेबल शहर हैं ये उन सबसे भी पुरानी हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो दोस्तों, इस टाइम मैं हूँ संत रविदास घाट पे, और जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये अलकनंदा क्रूज़ है, जो कि आपने जब कॉरिडोर के उद्घाटन के उसमें मोदी जी यहाँ पर आए थे तो वो इसी क्रूज़ पर बैठे थे, और ये सुबह शाम दो बार चलती है, 1.5 घंटे का इसमें सफ़र होता है, और मात्र 900 रुपये में आप इसमें सफ़र कर सकते हो। 900 रुपये पूरे रीजनेबल हैं, रीज़न बीइंग कि 900 रुपये में ये 1.5 घंटे आपको सारे घाट के चक्कर कराएगा, आरती दिखाएगा, सब कुछ आपको गंगा नदी के सारे तटों पे, सारे घाटों पर ये आपको घुमाएगा। उसके अलावा आपको इसमें सारे घाटों के बारे में वीडियो भी चलेगी, वो भी बताया जाएगा, और उसके अलावा आपको साथ में कॉफ़ी मिलेगी, बिस्किट मिलेगा, मतलब एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट्री रिफ्रेशमेंट आपको मिलेगा। और अगर आप कोई बोट भी बुक करते हो आधे एक घंटे के लिए सारे घाटों की यात्रा करने के लिए, तो वो भी आपसे कुछ नहीं तो कम से कम 1000 रुपये के अराउंड चार्ज करेंगे। तो अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ही रीजनेबल है। लेकिन मैं क्रूज़ पे इसलिए नहीं बैठने वाला हूँ क्योंकि मैं केवल कल तक के लिए यहाँ पर रुका हुआ हूँ, और अगर आप कम से कम 2 दिन के लिए आते हो तो क्रूज़ आपके लिए पूरी तरीके से रीजनेबल है। रीज़न बीइंग ये आपको घुमाएगा। दोस्तों, अगर आप 1 दिन के लिए आते हो और आप आरती देखना चाहते हो तो क्रूज़ से भी आप आरती देख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा दूर से आपको दिखाई देगा। तो अगर आप आरती में सम्मिलित होना चाहते हो घाट पर जाकर के, तो फिर आपके पास जो चॉइस है घाट पर आपको जाना होगा। क्रूज़ पे अगर आप जाना चाहते हो तो आप कम से कम 2 दिन के लिए आओ, ताकि 1 दिन आप क्रूज़ पे जाकर के सफ़र करो, उसके बाद आप जाकर के 1 दिन आप घाट पे भी डायरेक्ट जाकर के पास से आरती के दर्शन कर सकते हो, और उस टाइम पर वहाँ पर आपको जो भी एनर्जी की अनुभूति होगी उसको आप फील कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1 दिन के लिए आ रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो बोटिंग पे, अगर आप सिंगल आ रहे हो तो आप बोटिंग पे भी पर पर्सन के अकॉर्डिंग 100-100 रुपये में आप बोटिंग कर सकते हो, जो कि आपको सारे घाटों की सैर कराएगा। दोस्तों, पीछे संत रविदास घाट से अब मैं जा रहा सामने असी घाट की तरफ। दोस्तों, रविदास घाट और असी घाट के बीच में जल्दी ही एक नया घाट बन करके तैयार होने वाला है। दोस्तों, हमें अपनी इस धरोहर के लिए, हमें अपनी संस्कृति के लिए प्राउड फील होना चाहिए, और कुछ नहीं तो यहाँ का जो डेवलपमेंट करंट गवर्नमेंट करा रही है हमें उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमें इसके डेवलपमेंट के लिए खुद से भी हम जितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वाराणसी, काशी या फिर बनारस ये केवल सनातन धर्म के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये मुस्लिम, जैन, बौद्ध सारे धर्मों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपने देखा रास्ते में एक चर्च भी था। स्पेशली अगर मैं बात करूं बौद्ध धर्म की, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान यहीं से प्राप्त हुआ था, वो वृक्ष यहीं पर है, सारनाथ यहीं पर है, अशोक ने जिस स्तूप का निर्माण करवाया था वो यहीं पर है, और यहीं से भगवान बौद्ध ने अपनी शिक्षाओं का आरम्भ किया था। तो चलिए, इस व्लॉग का मैं एंड करता हूँ, मिलता है हूँ आपसे अगले व्लॉग में, जिसमें मैं आपको असी घाट से लेकर के दशाश्वमेध घाट और जो यहाँ की आरती होती है शाम की, शाम को 5:30-6 बजे के आसपास, उसके दर्शन कराने वाला हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट टाइम। अगेन थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको लगता है मैं कुछ भी एफर्ट लगा रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नई नई वीडियो बनाने का आपके लिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।